क्या साइंस हमें कयामत से बचा लेगी? क्या आपने कभी गॉड पार्टिकल्स के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों ने एक ऐसे तजर्बे का दावा किया है जिसके जरिए वो दुनिया को हर आने वाली मुसीबत से पहले से ही आगाह कर देंगे? साइंसदानों ने एक ऐसे तजर्बे का दावा किया है जिसे लार्ज हैड्रोन कोलाइडर का नाम दिया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जो कि दुनिया के वजूद में आने का बायस बनने वाले हालात को दोबारा पैदा करके किसी भी नागहानी आफत का पहले से जायजा ले सकता है। स्विट्जरलैंड में यूरोपीय पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी सर्न में बनाया गया ये लार्ज हैड्रोन कोलाइडर एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में तामीर किया गया है। ये सुरंग एक रिंग की शक्ल में है और फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सरहद पर जेरे जमीन वाकया है। इसमें पार्टिकल बीम्स को स्पीड ऑफ लाइट के करीब दौड़ाकर टकराया जाता है और फिर नए बनने वाले जरात का मुशाहिदा किया जाता है। LHC ने अपना पहला टेस्ट ऑपरेशन 10 सितंबर 2008 को शुरू किया था। इस साइंसी अजूबे को लेकर साइंसदानों के बहुत से ऐसे ड्रामाई नजरियात हैं जो दुनिया के आगाज के साथ साथ इसके अंजाम के बारे में भी पेशगोई करते हैं। आइए जानते हैं कि ये सब शोर शराबे के पीछे कोई हकीकत भी है या नहीं। एक काबिले जिक्र बात यह है कि अब तक ये कोलाइडर बहुत से नजरियात को कामयाबी से साबित कर चुका है। साइंसदानों ने 2012 में ऐलान किया कि उन्होंने एक ऐसे जर्रे का मुशाहिदा किया है जो दूसरे जर्रों को उनकी मादी शक्ल देता है। इसे हिग्स बोसोन का नाम दिया गया। हिग्स बोसोन, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, एक निहायत दिलचस्प दरियाफ्त है। ये जर्रा बनने के कुछ ही देर बाद तेजी से गायब हो जाता है और इसका कोई बरकी चार्ज नहीं होता। इसकी स्पिनिंग पावर सिफर है। सवाल ये है कि इस गॉड पार्टिकल क्यों कहा जाता है? गॉड तो इस दुनिया को बनाने वाला खुद है, तो यहाँ ये बात निहायत दिलचस्प है कि 2012 में दरियाफ्त होने वाले इस जर्रे को गॉड पार्टिकल इसलिए कहा जाता है कि इसे इस दुनिया को मादी शक्ल देने का जिम्मेदार ख्याल किया जाता है। लेकिन एक नज़रिया ये है कि ये गॉड पार्टिकल जो इस दुनिया को वजूद में लाया है, इसे तबाह भी कर सकता है। आइए हम देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। पार्टिकल फिजिक्स के जाइंट साइंसदान स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक गॉड पार्टिकल्स को अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी फराहम हो जाए तो ये मादे की शक्ल वापस भी ले सकता है। एक खास हद से ज़्यादा एनर्जी मिलने पर एक ऐसा वैक्यूम बबल बना सकता है जो स्पीड ऑफ लाइट से फैलेगा और पूरी दुनिया की मादी शक्ल को तबाह कर दे। ताहम माहिरीन के ख्याल में ये बात सिर्फ नज़रियाती तौर पर दुरुस्त है और हकीकत में हम इन हैड्रॉन कोलाइडर को इतनी ज़्यादा तवानाई मुहैया ही नहीं कर सकते कि गॉड पार्टिकल इस तरह से काम कर सके। एक और तबाहकुन नज़रिया भी इस एक्सेलरेटर से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक ये पार्टिकल एक्सेलरेटर ब्लैक होल्स भी बना सकता है और ये इस सूरत में पैदा हो सकते हैं अगर मादा और तवानाई एक जगह पर इस हाल में इकट्ठे हो जाएं कि उनके फैलने की स्पीड लाइट की स्पीड से बढ़ जाए। लेकिन कुछ साइंसदानों का ख्याल ये भी है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, और अगर कोई ब्लैक होल बन भी जाए तो वह बहुत कम ताकत रखता होगा और जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। क्या आप सब ने एंजल्स एंड डेमन्स फिल्म में दिखाई जाने वाली एंटी मैटर की तबाहकारियां देखी हैं? LHC की एक कामयाबी ऐसे ही एंटी मैटर की तख्लीक भी है। तहम इसकी मकदार नहायत मामूली है, जो कि तकरीबन एक नैनोग्राम है, और एंजल्स एंड डेमन्स में दिखाया गया एंटी मैटर बॉम्ब बनाने और इसे जखीरा करने में LHC को अरबों साल लग सकते हैं। एक और ड्रामाई नज़रिया जिसका सेहरा LHC को जाता है, मल्टीवर्स की नज़रियाती तस्दीक है। पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस का मुशाहिदा और हिसाब किताब करते हुए साइंसदानों को कुछ ऐसे तजादात का पता चला है जो सिर्फ इसी सूरत में समझ आ सकते हैं कि अगर हम अपने इर्द गिर्द और भी यूनिवर्सेस मौजूद होने पर यकीन करें। सर्न में शिवा के मुजस्मे की मौजूदगी भी इसके अजायबात में से एक है, और इसे इंडिया की हुकूमत ने 18 जून 2004 को इंडिया के सर्न के एसोसिएट मेंबर होने की वजह से तोहफे में दिया। इस द्योता का इंतखाब हिंदुस्तानी हुकूमत ने शिवा के कायनाती रक्स और एटमी जर्रात के कायनाती रक्स की मुताबकत से किया था।
एक और नहायत अहम बात यह है कि अगरचे LHC ये सब तबाहकारियाँ पहले से मुशाहिदा करके हमें इनके इम्कानात के बारे में बता सकता है, ताहम ये भी अहम है कि LHC हमेशा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर पार्टिकल एक्सेलरेटर नहीं है। कई दूसरे ममालिक मजीद बेहतर कोशिशों में मसरूफ़ हैं, जिनमें चीन का सर्कुलर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर और जापान का इंटरनेशनल लीनियर कोलाइडर इसकी कामयाब मिसालें हैं। दुनिया भर के साइंसदानों की इस दुनिया को मजीद और बेहतर तौर पर जानने की ये कोशिशें बेशक काबिले तारीफ और काबिले तकलीद हैं, और हम इन्हें इस वीडियो के ज़रिए खिराद तहसीन पेश करते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।